शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। अब भाग के विभिन्न उदाहरणों का एक बार फिर अवलोकन करें। क्या आपको इनमें कोई खास बात दिखाई पड़ती है? हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल f ऑफ a होता है। यही शेषफल प्रमेय है। f ऑफ a का अर्थ है f ऑफ x का मान जब x बराबर a हो। शेषफल प्रमेय, यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल f ऑफ a होता है। चलिए इस प्रमेय को हम सिद्ध करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रमेय के अनुसार हमारे पास भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या क्या हैं। भाज्य, प्रमेय में कह रहे हैं कि बहुपद f ऑफ x को x माइनस a से भाग दे रहे हैं, यानी कि f ऑफ x जो है वो हमारा भाज्य हुआ। भाजक, भाजक होगा x माइनस a। और भागफल और शेषफल की यदि हम बात करें तो भागफल भी जो होगा वो x का बहुपद होगा, तो इसलिए हम उसे ले लेते हैं कोई एक दूसरा बहुपद, जैसे कि मान लिया हम ले लेते हैं इसे q ऑफ x, क्योंकि वो भी कोई x का बहुपद होगा। अब हम बात करते हैं शेषफल की। शेषफल, क्योंकि हमारा जो भाजक है वह x माइनस a, यानी कि वह एक घातीय है, जब शेषफल हमें प्राप्त होगा तो उसकी घात भाजक की घात से कम होनी चाहिए, और चूंकि यह एक घाती है इसका मतलब हमें शेषफल मिलेगा कोई अचर पद, तो हम इसे मान लेते हैं R। चलिए आगे देखते हैं। अब हमने जो संबंध लिया था उसमें सभी के मान रख लेते हैं। हम कहते हैं कि भाज्य यानी कि f ऑफ x बराबर भाजक यानी कि x माइनस a, भागफल यानी कि q ऑफ x और धन शेषफल जिसे हमने लिया है R। अब हम देखते हैं इनका मान x बराबर a के लिए। x बराबर a के लिए f ऑफ x का मान क्या होगा? हम लिखेंगे x के स्थान पर a यानी कि f ऑफ a बराबर पुनः x के स्थान पर a, तो a ऋण a q ऑफ a धन r। इसे सरल करने पर हमें प्राप्त होगा f ऑफ a बराबर a ऋण a, हमें क्या मिलेगा? शून्य। तो शून्य गुणित q ऑफ a धन r, यानी कि f ऑफ a जो है वो हमें प्राप्त होगा r, क्योंकि जो प्रथम पद है वो शून्य गुणित q ऑफ a होने के कारण हो गया शून्य, तो हमें मिला है f ऑफ a बराबर r। चूंकि हमने R को शेषफल कहा, कहा है, इसलिए यहां शेषफल बराबर हुआ f ऑफ a। इस प्रकार यह प्रमेय सिद्ध हुआ। हमने f ऑफ x को x ऋण a से भाग किया और पाया कि शेषफल f ऑफ a है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि किसी बहुपद f ऑफ x को x ऋण a से भाग दिया जाए तो शेषफल f ऑफ a होता है। करके देखें, यदि f ऑफ x का भाजक x धन a हो तब शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला, f ऑफ x बराबर 2x ऋण a,
दूसरा f ऑफ x बराबर x का वर्ग ऋण a का वर्ग, तीसरा f ऑफ x बराबर x का वर्ग ऋण 2x धन 1। अब हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करते हुए भाज्य और भाजक के मालूम होने पर बिना भाग किए ही शेषफल ज्ञात कर सकते हैं।